We are going to discuss to translate the question answers of Russell. Science and values in modern essays in BA. Now, I have the notes. These are the notes on modern essays, acute notes on modern essays by me, lecturer M.K. Bhutta, and these notes are available in Ali Baba Photocopy Shop in Avantown, Multan Road, Lahore. And above photocopy shop. Now the page number of these notes is 25. Question number 1. Evolution from agriculture to industry was positive and progressive. University ne ye question raise kiya hai ki agriculture se industrialism tak hamara jo safar hai ye positive raha hai. Yani ki agriculture system ke aane se jo masail aaye the हमने इंडस्ट्रियलिज्म के सिस्टम में वो मसाइल हल कर लिए, हम बेहतरी की करते हैं, अलाब्रेट यानी कि वजाहत करें. या यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चन उठाया, कंपेयर एंड कंट्रास्ट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम एज प्रेजेंटेड बाय बर्ट्रैंड रसेल इन हिज साइंस एंड वैल्यूज. बताइए एग्रीकल्चर सिस्टम और इंडस्ट्रियलिज्म सिस्टम, इंडस्ट्रियलिज्म के दरमियान में क्या डिफरेंस है, इनको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें. Evolution from agriculture to industry was not only economic. Agriculture से industry की तरफ जब हम आए हैं तो सिर्फ economical कोई तब्दीली नहीं आई, but also cultural and political, बल्कि सियासी तब्दीलियां भी आई हैं. कौन सी सियासी तब्दीली आई है? Democracy. And discuss. Answer. In the earliest human society, शुरू शुरू की इंसानी बस्तियों में, सोसाइटियों में, बिफोर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से पहले लाइफ वॉज इन डेंजर, जिंदगी खतरे में थी. एग्रीकल्चर आने से पहले जिंदगी खतरे में थी. एंड डेथ फ्रॉम हंगर मस्ट हैव बीन फ्रीक्वेंट, और भूख से मौत बहुत ज्यादा थी, फ्रीक्वेंट बहसात में थी, कसरत में थी. At that stage, men had the same mixture of misery. उस वक्त एग्रीकल्चर सिस्टम आने से पहले इंसान की जिंदगी ऐसे ही दुखों का मलगूबा थी, दुखों का ऐसा ही मिक्सचर थी. एंड केयर फ्री इंजॉयमेंट, और ऐसे ही बेफिक्री की इंजॉयमेंट थी उसके पास. यानी कि इंसान के पास दुख भी थे और केयर फ्री इंजॉयमेंट थी, यानी कि बगैर बेफिक्री वाली एंजॉयमेंट. बेफिक्री वाली एंजॉयमेंट कौन सी होती है? दूसरे का सर फाड़ दिया, दूसरे को बट्टा मार दिया, तीर मार दिया, मार गिराया, कत्ल कर दिया, जाति की बाजू काट लिए, ये सारी बेफिक्री वाली एंजॉयमेंट है ना. हाँ, ये इसमें भी इंसान, मैंने कल कहा था कि दो दांत दहशत वाले हैं, तो ये बेफिक्री वाली एंजॉयमेंट है ना. आज भी लोग रास्ते में जाते हुए दूसरे लोगों को छेड़ते नहीं है, तो ये बेफिक्री वाली एंजॉयमेंट है ना. तो एग्रीकल्चर सिस्टम आने से पहले इंसान की जिंदगी मिक्सचर थी, किस चीज का? बेफिक्री वाली एंजॉयमेंट का और दुखों का. कैसे? लाइक एनिमल, जिस तरह आज जानवरों की जिंदगी है. रसल कहता है एग्रीकल्चर सिस्टम आने से पहले इंसानों की जिंदगी ऐसी थी जैसे आज हमने जानवरों की जिंदगी को बना रखा है. एप्टो क्लेप्टो मूवी किसने देखी है? आपने देखी है, आपने देखी है, आपने देखी है. क्या कंसेप्ट है? कि शहर में रहने वालों के पास ये हक हासिल है कि वो अपने देवता की बलि के लिए देहात में से लोग पकड़ाएं और फिर शहर में आकर उसको रंग रोगन करके उनको बलि चढ़ा दें, उनकी गर्दनें काट कर ऊपर से नीचे गिराएं, उनके सरों को और उनके जिलों को फाड़ कर उसको अंगारों पर रखकर सुखाएं और कलमात पढ़ें ताकि देवा देवी देवता खुश हो जाए. सिस्टम है ये. क्यों? वो कहते हैं कि शहर के लोग समझदार होते हैं, ये जंगलों में जो लोग रहते हैं ये तो भोले भाले होते हैं, इनको तो पता नहीं होता. देवता ने इनको जंगलों में भोला भाला रखा इसलिए हुआ है ताकि हम इसे बलि चढ़ा सके, अपने खेतों में काट कर रख सके, डाल सके. तो आज हमने जानवरों की जिंदगी को ऐसे बना रखा है. सारे क्रिश्चियन सुअर काट के खा जाते हैं. तो किस लिए है? तो हमारे लिए है.
हमने खाना है इनको, तो खा जाते हैं सारे क्रिश्चियन, ठीक है। और कहते हमारे लिए, इसीलिए उस वक्त भी जबकि फायदा, जिस तरह आज हमने एनिमल्स की जिंदगी को बना रखा है उस वक्त भी ऐसा था। सोचें कितना बड़ा मगरमच्छ होता है, और मैं कहता हूं कम से कम इस कूलर जितना तो उसका दिमाग होता होगा, या हाथी का दिमाग इस कूलर जितना तो होता होगा, या वो जो दरियाई घोड़ा होता है, ठीक है, कमरे जितना तो उसका मुंह होता है, ठीक है। अच्छा, तो अगर ये दिमाग काम करना शुरू कर दे तो मुझे लगे कि किसी दिन वो डंडे उठाकर और गोलियां बंदूकें उठाकर हमारे पीछे और हम आगे भाग रहे हैं। कितने बड़े उनके दिमाग हैं, काम नहीं करते। कौन जबरदस्ती पकड़ जाते थे, तो वो भोले होते थे ना, उनको फिर मिथ खिलाई जाती थी, मिथ की गोलियां देते थे कि जी देवी है, देवता है, उन्होंने आप पर लाजम किया हुआ है। जैसे कि क्रिश्चियन जो है बकरे को पकड़कर उसकी बलि दे देते हैं, मुझे आपका नहीं पता, बकरे को पकड़ उसकी बलि दे देते हैं क्रिश्चियन, ठीक है। और बकरा चीख नहीं रहा होता, रो नहीं रहा होता, भाग नहीं रहा होता, और वो रो रहा होता है, भाग रहा होता है, सारी रात वो बांके मार रहा होता है, और लोग कह रहे होते हैं क्रिश्चियन कि जी ये तो आवाज दे रहा है कि मैं जल्दी करो मुझे काटो। उसी वक्त इंसान भी ऐसे था, बस ऐसे ही कुछ था सिस्टम। तो ये बलि का सिस्टम सिर्फ हमारे पास नहीं है, ये अजल से आया है, ये ग्रीक को मैं पहले था, पहले पहले वो बलियां देते थे, फिर उसके बाद रोमन, फिर क्रिश्चियन, तमाम मतलब हर मजहब ने बलि की है। जी बेटा, क्रिश्चियन भी करते हैं, क्रिश्चियन भी करते हैं बलि, जी तने अभी तवज्जो कर, एग्रीकल्चर वाज अ सर्टिफाइड एडवांस, साइंटिफिक एडवांस, एग्रीकल्चर साइंटिफिक एडवांस थी, बट इट गेव बर्थ टू स्लेवरी, लेकिन इसने गुलामी को पैदा किया, एंड सर्फडम मजारा गिरी को पैदा किया, ह्यूमन सेक्रीफाइस को पैदा किया इसने, किसने, क्रूअल रूल एंड लॉज वॉर्स, क्रूअल रूल और बड़ी बड़ी जंगों ने जन्म लिया, इंस्टेड ऑफ रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, द स्टैंडर्ड बेहतर होने की बजाय, एक्सेप्ट फॉर अ टाइनी गवर्निंग मिनोरिटी, मुख्तसर सी महदूद तादाद जो कि हुकूमत हुक्मरान तबके की थी, सिवाय उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेहतर होने के अलावा, उनके सिवा इट मेरली इंक्रीज द पॉपुलेशन, बाकी सारी सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ी है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेहतर हुआ है तो सिर्फ अमीर तबके का, हुक्मरान तबके का हुआ है। ऑन द होल इट प्रोबेबली इंक्रीज द सम ऑफ ह्यूमन मिजरी, और ओवरऑल देखा जाए तो इंसानी दुखों में इजाफा हुआ है, प्रोबेबली तकरीबन शायद। इट इज नॉट पॉसिबल दैट इंडस्ट्रियलिज्म मे टेक द सेम कोर्स, ये अजब नहीं है, ये नामुमकिन बात नहीं है कि इंडस्ट्रियलिज्म भी ऐसे ही रास्ते की तरफ चल देती, वो भी ऐसा ही रास्ता अख्तियार करती जैसा रास्ता एग्रीकल्चर सिस्टम ने अख्तियार किया है। फॉर्चुनेटली हाउएवर देयर इज फास्ट ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी, ये किस्मत की बात है कि हमारे पास साथ ही डेमोक्रेसी की ग्रोथ हो गई, एंड साइंस विद द लॉ ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म, और साइंस की भी साथ साथ ग्रोथ हुई, सॉरी साइंस भी आगे बढ़ी इंडस्ट्रियलिज्म के साथ साथ, यानी कि इंडस्ट्रियलिज्म के साथ दो चीजें और बढ़ी हैं, एक तो साइंस का इस्तेमाल और दूसरा डेमोक्रेसी। इफ इंडस्ट्रियलिज्म लाइक एग्रीकल्चर गिव बर्थ द इवल्स ऑफ स्लेवरी एंड सर्वडम, अगर इंडस्ट्रियलिज्म एग्रीकल्चर सिस्टम की तरह वो भी गुलामी को पैदा करती है, सर्वडम मजारा गिरी को पैदा करती है, ह्यूमन सेक्रीफाइस को पैदा करती है, क्रूअल रूल और लॉज वॉर्स को पैदा करती है, then equally democracy and science will cure it. So साथ ही साथ science और democracy इसका cure करती है, इसका इलाज करती है।
एंड दिस ऑल विल बी डन विद द वाइज यूज ऑफ साइंस, और ये सब कुछ हो सकता है साइंस के बेहतरीन इस्तेमाल से। क्वेश्चन टू, हाउ डज बर्ट्रैंड रसेल प्रूव दैट ऑल फैनेटिकल क्रीड आर हार्मफुल टू मैनकाइंड। रसेल ने कैसे प्रूव किया कि तमाम तर मजहबी फिरके जो हैं वो इंसानियत के लिए नुकसानदेह हैं, तमाम तर मजहबी फिरके इंसानियत के लिए नुकसानदेह हैं। बर्ट्रैंड रसेल ने इस बात को कैसे प्रूव किया है? लड़की, अकॉर्डिंग टू रसेल Another thing which needs to be finished is fanaticism. रसेल कहता है एक और चीज जिसको खत्म होना चाहिए वो है fanaticism, तासुब। तासुब का मतलब है दूसरे से जलसी होना, दूसरे को गलत करार देना और अपने आप को ठीक कहना। अगर दूसरा ठीक है तो उसको खत्म करने की कोशिश करना कि ये मुझसे बेहतर क्यों है। In the name of religion, मजहब के नाम पर दूसरे को इंसान कत्ल उसी वक्त करता है, मारता उसी वक्त है जब वो उसके बराबर के लॉजिक इकट्ठे नहीं कर सकता। अगर पढ़ी लिखी बात की जाए तो आप एक इलाके में दो टीचर हैं, अगर आप दूसरे टीचर से कम्पीट नहीं कर पा रहे तो फिर आप उसके ऊपर अटैक करेंगे, उसे लड़ेंगे, उसे मार डालेंगे आपको, क्योंकि आप उसे कम्पीट नहीं कर पा रहे। ये एक एंगल है बात करने का। No religion teach fanaticism. कोई भी मजहब फैनेटिसिज्म नहीं बताता, फैनेटिसिज्म की तलकीन नहीं करता। एंड द लीक समझता, बट सम ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ रिलीजन बिकम नैरो माइंडेड। लेकिन कुछ फॉलोअर जो है वो नैरो माइंडेड हो जाते हैं, नैरो माइंडेड हो जाते हैं। देखो अब नैरो माइंडेड और ब्रॉड सेंस का एक छोटे से ग्लिम्प्स देखें, झलक देखें। इसी क्लास के अंदर से एक स्कॉलर ने कहा है, मेरे माशाल्लाह सारे स्टूडेंट्स मेरे लिए स्कॉलर हैं और बाकी सारे आप लोग हैं स्कॉलर, ठीक है। तो इसी क्लास में से एक स्कॉलर ने कहा, मैंने कहा कि वैलेंटाइन डे के ऊपर ये सामने बैनर लगा हुआ था कि उसमें लिखा हुआ था कि जी वैलेंटाइन डे ये बेहयाई का दिन है, आओ हया दिन मनाए, हया डे मनाए, उन्होंने लिखा। तो यहाँ से बैठे हुए स्कॉलर ने कहा, उसने कहा सर वैलेंटाइन डे तो बहुत अच्छे बुजुर्ग थे, वो तो लोगों के पेयर बनाते थे उनकी शादियों के लिए, उनके रैंसम के लिए, उनका जो कल्चर था उसके मुताबिक वो उनके घर मिलन करा देते उनका। अच्छी बात है ना, ये पॉजिटिव बात है। अब वो शख्स, वो स्कॉलर नैरो नहीं है, वो ब्रॉड सोच रहा है। उसने वैलेंटाइन जो शख्स था उसको ये नहीं कहा कि वो खबीस और गंदा था, उसने उसको पॉजिटिव सेंस में ले लिया और मैंने उसी की बात को आगे बढ़ा दिया। मैंने कहा हाँ ये जिन्होंने बैनर लगाए हैं हया डे मनाए, इनको पूरे कैंप बना लेने चाहिए, ऊपर लिखें कि वैलेंटाइन जो था बहुत अजीम आदमी था, आओ उसकी सुन्नत को पूरा करें। क्या पूरा करें? जितने भी मोहब्बत करने वाले हैं यहाँ आकर निकाह करवा सकते हैं और अपने अपने घर वहीं वहीं रहें, सिर्फ निकाह का एक पेज ले लें हमसे, कितनी अच्छी बात हो जाती, पॉजिटिव हो जाते ना, नेगेटिविटी खत्म हो जाती। अब सोचने की बात है, वो लवर और बिलवेड जो अपने अपने घर में रहते हैं और मेट भी करते हैं, सेक्स भी करते हैं, जहां उनको मौका मिलता है वो करते हैं ऐसा, अगर उनको निकाह नामा भी दे दे क्या फर्क पड़ता है यार? निकाह है हलाल तो हो गया ना, रहे अपने अपने घर में, चोरी छुप कर डर कर करने की क्या बात है, निकाह नामा उनके पास है, वैसे रहे जैसे रह रहे रहे। तो ये पॉजिटिव बात थी, अब ये नैरो माइंडेडनेस नहीं थी, ये ब्रॉड सेंस में बात थी। सिर्फ शादी होने पर निकाह नामा हुआ हुआ है, बस शादी होने पर जहाँ जाके रहना शुरू कर दे, इकट्ठे रहना चाहते हैं। भाई शादी का मतलब एक मैं आपको बता दूं, मेरे नजदीक शादी का मतलब ये कि शादी करने के बाद बिल्कुल इकट्ठे जुड़ के टांग पर टांग चढ़ा के बैठ जाने का नाम है। तो ऐसा नहीं है, शादी लोग करके एक सऊदी अरब में होता है, एक पाकिस्तान में होता है, तो होता नहीं है। शादी करके क्या दो लोग अपने अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकते? रह सकते, क्यों नहीं रह सकते? शादी का मतलब ये तो नहीं है कि आप लोग लाजमी इकट्ठे रहे। अगर आपके वसायल आपको ज्यादा नहीं दे रहे, आपकी स्टडी आपको ज्यादा नहीं दे रही, आपका रहन सहन आपको ज्यादा नहीं दे रहा,
तो आप कम अज कम हराम तो ना करें ना, आप करें तो हलाल जो करते हैं। तो इसमें कौन सी आफत आ गई है? तो चीजों को सिर्फ पॉजिटिव लेना है, ब्रॉड सेंस में लेना है। तो फॉलोअर जो होते हैं रिलीजन के, वो नैरो माइंडेड होते हैं। ठीक, सारी दुनिया फ्रेंडशिप कर रही है, यार क्या हो गया? फ्रेंडशिप हो रही है, फ्रेंडशिप को आप लीगल करो, उसको निकाह दो। निकाह का मतलब क्या है? यही दो दिलों का मिलन, दो दिलों का ऐलान। तो फ्रेंडशिप क्या, एक क्लास में दो लोग होते हैं। मैं अवान टाउन की बात नहीं कर रहा, मैं एलिवेटेड जो बाहर के इलाके हैं, जो गुलबर्ग है, डिफेंस है, वहां पर टीचर का जिस दूसरे टीचर के साथ अफेयर है सारी बस्ती जानती होती है, पूरा कॉलेज जानता होता है। लड़की का जिस लड़की का है पूरा कॉलेज जानता होता है। तो मेरे नजदीक तो वो पूरा ऐलान हो चुका है कि फिलहाल लड़की फिलहाल के साथ अटैच है और ये निकाह है पूरा। सिर्फ उसको दो कलमे वो भी अगर दिल से, वो सच्चे दिल से उसको अपना दोस्त मानते ना, निकाह हो गया उनका, क्योंकि ऐलान हो गया है। तो आपसे लोगों को ये शौर दे दें कि भाई ये जो फ्रेंडशिप है ये निकाह ही है। आप मेहरबानी किया करें जो कलमे भी पढ़ लिया करें दो लोगों के सामने। आसान है जी, हराम जरूरी करना है, हलाल करके खाओ। लेकिन ऐसा कोई नहीं सोचेगा, ऐसा इसलिए नहीं सोचेगा क्योंकि अगर ये हो गया तो हम बेहतर हो जाएंगे। हम बेहतर नहीं होने चाहेंगे, हम क्योंकि बेहतर हो गए तो फिर हम किसी के लिए लड़ेंगे नहीं, हम बेवजह लड़ेंगे नहीं, हम परेशान नहीं होंगे, हम पुरसकून जिंदगी जीना चाहेंगे। ऐसा कोई नहीं चाहता। जहेज की लानत पर आप इतना कुछ देते हैं, आप फ्रेंडशिप को निकाह के अंदर क्यों नहीं ले आते? इसमें थोड़ा सा काम करने हजारों लोग तैयार हो जाएंगे। आप इतना शौक दे दें कि अपने अपने घरों में जहां रहना रहे जो फ्रेंडशिप करे, समझे कि उसका निकाह हो गया, वो ऐलान भी करे सर, उसकी बड़ी मेहरबानी। या अपने आईडी कार्ड के ऊपर लिखकर, या नेट पर हमने ये एक साइट बना दी है कि यहाँ दोनों लड़के लड़का अपना इंटर कर देंगे, अगर पुलिस पकड़ भी लेगी कोई बात ऐसी होगी तो वो इंटर करेंगे, फौरन ये निकाह होता है, इनने पहले से ऐलान किया हुआ है। वेरी सिंपल, इतना मुश्किल क्यों करते हो? लेकिन इंसान की वहशत वाली सोच है ना कि नहीं बस मरना है, पनिशमेंट करनी है, वो चीज ये चीज नहीं करने देती। चीजें आसान हो सकती, अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को हया भी दे और तमाम लोगों को हलाल करके खाने की तौफीक भी दे। और अगर आपका ऐसा सिस्टम ना हो सके तो यकीन कीजिए आप ऐसा ही करें, अपना निकाह जरूर कराए। छुप के दो लोगों के जमीन आपने निकाह किया हुआ है, दो लोग कल को वो दोस्त आपका दोस्त नहीं रहता, निकाह को उठा के फाल डाले। हाँ तो क्या, अच्छा भाई बात ये कहने की, तमाशा जरूरी अपना बनाना है। देखो बेटा, शादियां 35 साल की उम्र में हो रही है, 30 साल की, 25 साल की उम्र में, उससे पहले जो मुंह काला करते हैं वो उससे क्या हाल है? हलाल से कैसे करें? वो शख्स आपके साथ नहीं रहेगा तो समझे तलाक होगी आपको। निकाह के फाड़ने का मतलब ये कि तलाक होगी आपको। लेकिन लाजमी भी तलाक का ढंडोरा फेरना है दुनिया में। पहले जो लड़की 6 फ्रेंडशिप कर चुकी हो, जो तोड़ चुकी होती है, लड़का भी 6 फ्रेंडशिप करके तोड़ चुका होता है, फिर वो निकाह करने जाता है तो क्या पहले जो 6 के साथ वो रहा है तो क्या वो निकाह नहीं था? वो भी तो निकाह था। हाँ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, डर लग रहा है ना कि हाँ जो पिछली चीज टूट गई तो क्या होगा। अल्लाह ताला तमाम लोगों को हया दे और निकाह करने की तौफीक दे। ओ भाई कहाँ पर थे? फ्रेंडशिप इज एन इवल और तासुब एक बुरी चीज है, एंड इट गिव्स बर्थ टू हैटर्ड और ये नफरत को बढ़ाती है, एंड स्टॉप्स द वे ऑफ फ्री थिंकिंग। तासुब ये नफरत बढ़ाता है और फ्री थिंकिंग को रोकता है, फ्री थिंकिंग को रोकता है, रोकता है। कोई भी मजहब है, चाहे क्रिश्चियनिटी है, चाहे वो ज्यू है, कोई भी रिलीजन, वो फ्री थिंकिंग को रोकता है, फ्री थिंकिंग नहीं करना देगा। ठीक है, जस्ट बिफोर हम फ्री थिंकिंग कर रहे थे आप रोक रहे थे मुझे, आप कहते कि नहीं फ्री थिंकिंग नहीं हो सकती, आप बहुत सारे क्वेश्चन भी रेज कर सकते। जॉर्ज जिलेट आई, जब उसने रिलीजन पढ़ा, जॉर्ज जिलेट ने बड़े क्वेश्चन रेज कर दिए क्रिश्चियनिटी के ऊपर,
उसे गॉड के साथ गॉड के बारे में क्वेश्चन ऐसे ऐसे रेज किए कि लोग पीछे हट गए। उन्होंने कहा ये क्या कहती है जवाब, उन्होंने कहा ये फ्री थिंकिंग, फ्री थिंकिंग की जरूरत नहीं है किसी रिलीजन के अंदर। आप नहीं कह सकते गणेश जी जो है उनकी नाक बड़ी है और बड़ी गंदी और बड़ी लामती मुंह है उसका, आप नहीं कह सकते उसको। कोई लड़की ये कहे कि हाँ जी हिंदू लड़की की हाँ जी गणेश जी देखकर मुझे डर लगता है, तो भाई तोबो तो बस कैसी फ्री थिंकिंग नहीं करने देनी, ठीक है। चूहा कितना पलीत होता है, गणेश जी इतने मुकद्दस अगर है तो वो चूहे पर क्यों बैठे हैं ये सवाल है, लेकिन ये फ्री थिंकिंग नहीं है, नहीं करने देंगे। रिलीजन से बाहर ठहर कर आप कर सकते हैं, रिलीजन के अंदर ठहर कर आप नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा मजहब, अच्छा ठीक है, जो कहते हैं फ्री थिंकिंग करने के लिए मजहब क्यों आया, ठीक है। इवन द रोमन एम्पायर, जहाँ तक के रोम की जो हुकूमत थी एंड लेटर क्रिश्चियन वर्ल्ड और बाद की जो क्रिश्चियन दुनिया थी, सफर्ड फ्रॉम द वर्स्ट फॉर्म ऑफ फैटिसिज्म, वो भी बदतरीन फैटिसिज्म से दो चार रही है। यानी कि रोमन भी फैटिसिज्म में रहे हैं, क्रिश्चियन भी फैटिसिज्म में रहे हैं। इन द प्रेजेंट वर्ल्ड कैथोलिसिज्म, आज की दुनिया में कैथोलिसिज्म, कैथोलिक कौन है, अमेरिकी इंग्लैंड वाले कैथोलिक चर्च को मानने वाले हैं, कैथोलिक चर्च रूम में है। और कैमोरिज्म ये रूसी कबीला है, रूस के लोगों कहते हैं कैमोरिस्ट कहते हैं। कैथोलिक जो है वो गॉड पर यकीन रखते हैं, क्राइस्ट पर यकीन रखते हैं, पोप पर यकीन रखते हैं। जो कैमोरिस्ट है वो कैमिनिटी से निकले हैं, कैमिनिटी का मतलब सोसाइटी, उनका यकीन सोसाइटी पर होता है, सोसाइटी पर यकीन होता है, वो गॉड पर यकीन नहीं रखते, वो लोगों पर यकीन रखते हैं, लोगों की क्वालिटीज पर यकीन रखते हैं, लोगों के एग्जिस्टेंस पर यकीन रखते हैं, लोगों के रहन सहन पर यकीन रखते हैं, उनकी बेहतरी पर यकीन रखते हैं, वो लोगों के बारे में सोचते हैं, वो लोगों के होते हैं, वो पीपल्स पार्टी होती है, पीपल्स पार्टी होती है, लोगों की बात करने वाली होती है। तो आप चीजें बाद में समझेंगे ऐसा ऐसा, ये सारी आप फैज अहमद फैज बहुत बड़ा पोइट गुजरा है, मुझे आज तक समझ नहीं आई, मैंने उसको पढ़ा, जब भी पढ़ा नुस्खा हाय वफा मैं तो हाय ही निकल जाती है, मैं इतनी गंदी राइटिंग, ये बड़ा राइटर है, ऐसे होते हैं बड़े पोइट। मैं एक साल पहले अपने उस्ताद के साथ बैठा, वो मेरा उस्ताद जो है वो कम्युनिस्ट है, तो उसने मुझे बताया, उसने कहा जी वो फैज अहमद फैज तो बहुत पाए का पोइट है। मैंने कहा या अल्लाह खैर ये कैसी बात कह रहे हैं, और उस्ताद साहब खैर वो किताब ले आया और उन्होंने मुझे सुनाया, वही किस्सा पिटा पुराना, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मैंने कहा जनाब इसमें क्या ऐसी बात है, मुझे तो कोई अट्रैक्टिव नहीं लगी। उसने कहा फैज अहमद फैज कम्युनिस्ट था और उस वक्त कम्युनिज्म पाकिस्तान में आ रही थी और पीपल पार्टी जन्म ले रही थी, लोग खुश हो गए कि यहाँ भी कम्युनिज्म आ जाएगी और इंसानों की बात होगी, बिलीव नहीं होगा बल्कि इंसानों की बेहतरी पर सारा कुछ होगा सबनी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पक्का धकड़ लिया गया और हालात बहुत खराब हो गए। तो फिर दोबारा कम्युनिज्म ने एक बार सर उठाया और पाकिस्तान में जितनी ऑर्गेनाइजेशन थी कम्युनिज्म की उनको खड़ा किया, उन्होंने कहा कि दोबारा एक्टिव हो जाओ एक्टिविस्ट, दोबारा जियाले तैयार हो जाओ, ये जियाले रेवोल्यूशनरी नजरियाती वोट ये सब सारा का सारा कम्युनिज्म है, ठीक है। उन्होंने कहा तैयार हो जाओ, तो फिर लिखा फैज अहमद फैज ने कम्युनिज्म, कम्युनिज्म सिस्टम को लिखा कि ऐ कम्युनिज्म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। अब वो दौर नहीं रहा, मैं उठा था मैं तो समझा था कि तू है तो दरक्षा है हयात, मैं समझा था कम्युनिज्म तू आ जाएगी तो हयात दरक्षा हो जाएगी। अब हम इतने गिर चुके हैं, अब दोबारा हमसे वैसी मोहब्बत न मांग। जो इन चीजों को समझता है तो वो तो झूम उठता है कि ये इनकलाब कह रहा है, लेकिन हम जैसे दीवाने पागल लोग कहते पता नहीं ये क्या खेल है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। तो मैं तो नहीं कहता वही बेहतरी कर सकता, हमने तो नहीं कहा लोग कहते हैं आपका हमारे मुल्क में बेटी है ये इंसानों के लिए सोच जाएगा।
अगर ऐसा था तो दुनिया में मजहब आया नहीं गया, वो बेहतरीन के लिए नहीं आया। पहली बात तो ये हमने बात की नहीं है, वो हमने कोई और सेंस में बात की है, लेकिन ये बात नहीं की हमने। ये बात नहीं की कि कम्युनिज्म ही बेहतरी की काम कर सकता है। आप ये सोचे कि आपका मुल्क डेमोक्रेटिक मुल्क है, हम कहते हैं कि कम्युनिज्म नहीं बेहतरी ला सकती, वो रिस्ट्रिक्ट कर देगी, हमें बाउंडेड कर देगी, जज्बे खत्म हो जाएंगे। हम कहते डेमोक्रेटिक सिस्टम ठीक है, हम कहते हैं, हम तो पहली बात कहते ही हैं। और दूसरी बात क्या आपने जो की, क्या रिलीजन बेहतरी के लिए नहीं आया था? यस डेफिनेटली आया था। तो रिलीजन तो बहुत सारे आए हैं, एंड पे जो आया वो एंड पर तो मिर्जाइयों का आया, दलों का। मैं तो कह रहा हूँ दल्ले हैं वो, लेकिन मैं कह रहा हूँ आखिर में आया है वो। आप आखिरी की बात कर रहे हैं, चलो छोड़ दे भाई। बेटा मेरी बात सुनो, चलो मेरा बेटा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अच्छी अच्छी बातें किया करो, सारा लड़ाई करते हो। अच्छा जी, मुझे बताया भी करो कि मैंने कहा शुरू कर। अच्छा कम्युनिज्म मैं बता रहा था, कम्युनिस्ट है कम्युनिज्म रूसी कबीला है, और ये जो कैथोलिसिज्म है ये क्रिश्चियन कबीला है सारा का सारा। हे टीचर दर, ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैनेटिसिज्म, तासुब की बेस पर एक दूसरे से नफरत करते हैं। इफ वी विश टू डेवलप द वर्ल्ड, अगर हम दुनिया को डेवलप करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, वी मस्ट गिव बर्थ टू अ पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल टेंपर, तो हमें एक खास किस्म का अकली रवैया अपनाना पड़ेगा। अगर हम दुनिया को बेहतर करना चाहते हैं तो हमें एक खास किस्म का अकली रवैया अपनाना पड़ेगा। बाय वे द टू इम्पोर्टेंट लीडिंग सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसके जरिए दुनिया के दो बड़े जो सिस्टम हैं, कौन कौन से, एक कम्युनिज्म एंड कैथोलिसिज्म और दूसरा कैथोलिसिज्म, मे फॉरगेट, हो सकता है भूल जाए, एंड लीव देयर एनिमिटी, और हो सकता है अपनी दुश्मनी भी खत्म कर दें। हमारी नजर में अमेरिका गलत है, हमारी नजर में पहले रशिया गलत था, कल अगर हम इन्होंने कोई ऐसी रेवोल्यूशन चलाई तो हमारी नजर में चाइना गलत हो जाएगा, आज हमारी नजर में अफगानिस्तान भी गलत है, आज हमारी नजर में इंडिया भी गलत है, हमें जिस पे मोर देंगे हमारे लिए वो गलत हो जाएगा। और इनकी अगर आपस में दुश्मनियां खत्म हो जाती है, हम कहां के नंबरदार रहेंगे? हम तो साइड पे होंगे और फेंक देंगे हमें कि हाँ जी ये लोग है ही गलत, दूसरों के कहे पर चल पड़ते हैं। अपना इकबाल के कहे खुद ही, खुदा खुदा करके इकबाल के मुंह से खुद ही का लफ्ज निकला है, जो वहद लफ्ज है जो ठीक निकला है। इन प्रेजेंट इरा और मौजूदा दौर में टॉलरेंस इज द क्वालिटी, टॉलरेंस एक ऐसी क्वालिटी है, टॉलरेंस किसे कहते हैं, बर्दाश्त को, That is needed. टॉलरेंस का पता है ना बेटा, तब से कर रहे हैं, हाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, मैं ना करो बेटा। टॉलरेंस एक ऐसी क्वालिटी है that is needed for better future, जो बेहतर फ्यूचर के लिए जरूरी है। Russell is of the view that happiness of the total world is better. Russell कहता है पूरी दुनिया की खुशियां बेहतर हैं then the individual happiness, इनफरादी खुशियों के निस्बत। चंद लोगों के पास खुशियां हो, बहुत सारे लोगों के पास खुशियां ना हो, उन चंद लोगों की खुशियों से बेहतर है कितने पास खुशियां हो, बेशक थोड़ी हो, एक तबाही खुशियां हो। एंड देयर कैन बी अचीव बाय ग्रोइंग लव, और एक तबाही खुशी का फार्मूला हमारे लिए बहुत मुनासिब है, क्योंकि गरीब तो हम है, अमेरिका को पैसा तो हमें देना पड़ेगा ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो होगी तो हम अमीर होंगे, हम तो पहले से गरीब है, हमें तो कोई नुकसान नहीं है, तो इसलिए हमें तो इसकी ताइज करनी चाहिए अपने आप को बेहतर करने के लिए। एंड दैट कैन बी अचीव बाय ग्रोइंग लव, और ये हासिल की जा सकती है, इज्तमाई कलेक्टिव हैप्पीनेस हासिल कैसे होगी, मोहब्बत से, टॉलरेंस से, एंड सिंपैथी नस
और एक दूसरे से हमदर्दी से। हाउ द डेथ विच इज हर्डल इन द वॉय ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस, इंसानी तरक्की की राह में डेथ विच किस तरह खतरनाक है। जिसका रसल स्न्यू द ब्यूटीफुल थियरीज ऑफ मॉरलिस्ट, रसल ने जिबा कर डाली खूबसूरत थियरीज को, नजरियात को, किसके, मॉरलिस्ट के। वो जो अखलाकियात के मुअल्लिम बने फिरते हैं उनके खूबसूरत तरीन थियरीज को उसने जिबा कर डाला। प्रीस्ट पादरियों की खूबसूरत थियरीज को जिबा कर डाला। फंडामेंटलिस्ट वो जो कदीम पुरानी तबीयत के लोग हैं, कदामत परस्त हैं, उनकी भी थियरीज को उसने जिबा कर डाला। सेंटिमेंटलिस्ट और उसने जज्बाती लोगों की थियरीज को भी जिबा कर डाला। जब आप जज्बात में होते हैं उस वक्त आप अकल में नहीं होते, जज्बात में आकर आप लोगों के सर फाड़ कर कतल कर डालते हैं। अकल में जब होते हैं तो आप सोचते हैं आज मैं इसको मारूंगा तो कल ये हमें भी मार सकता है और उसको भी इतनी तकलीफ होगी जितनी मुझे होती है, मेरे भाई को होती है। तो सेंटिमेंटलिस्ट जो है जज्बाती जनूनी जो है उनकी भी खूबसूरत थेरीज को जिबा कर डाला। थावा ड्रिंकम वो जो ताकत के नशे में चूर चूर है उनकी थेरीज भी उसने जिबा कर डाली। बाय अगली सेक्स बदसूरत सच के साथ, उसने जो सच ज्ञान किए हैं वो बदसूरत सच हैं, उनको आप झील नहीं सकते, उठा नहीं सकते, है तो वो सच लेकिन बदसूरत है। उसने बदसूरत हकैक के साथ उसने ये खूबसूरत सारी थेरी जिबा कर डाली, कत्ल कर डाली। He says that, वो कहता है happiness is not best achieved by those, रसल कहता है खुशियां उनसे बेहतरीन तरीके से अचीव नहीं होती who seek it directly, जो इसे डायरेक्टली हासिल करते हैं। डायरेक्टली हासिल करने का मतलब है अपने लिए खुशियां गेन करना, नहीं कोलेक्टिवली गेन करना। अगर आप अपने लिए खुशियां गेन करने के पीछे जाएंगे तो आपको गरीब लोग वैसे मार डालेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन आपके सामने है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में ऐसा हुआ था, वहां के शूटर कहते खाने के लिए अगर कुछ नहीं है तो घास खा लो। लोग अमीर लोगों के घर में मौजूद जो कुत्ते थे उनके मुंह से गोश्त छीन के पकाते थे, खाने को कुछ नहीं था। अगर कोई बड़ा आदमी किसी के बच्चे को अपनी बग्घी के नीचे दे देता तो ये जहमत नहीं करता कि उस संपत्ति करे, बाहर सिक्का फेंक देता था। और अगर किसी आदमी ने किसी बड़े आदमी को कत्ल कर दिया गुस्से में आकर तो उस आदमी को उठाकर बस्ती के सबसे सेंट्रल वहज कुएं के ऊपर मरने के लिए लटका दिया जाता ताकि ना सिर्फ ये मरे बल्कि इसके जिस्म से बहने वाला खून कीचड़े ये सारे कुएं में गिरे और कोई पानी भी ना पी सके। और ऐसे जुल्म के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन आई थी, इनकलाब फ्रांस आया था। तो ये उसी वक्त आता है जब आप डायरेक्टली खुशियां गेन करते हैं, कोलेक्टिवली नहीं सोचते आप। ही हैज अ फर्म बिलीफ ऑन स्लो, इसीलिए हमारे यहाँ जकात का सिस्टम है, इसीलिए खैरात का सिस्टम है ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। ही हैज अ फर्म बिलीफ ऑन स्लो, उसका मजबूत बिलीफ है ऐसा रो इन डायरेक्ट एंड ऑर्गेनाइज साइंस पर, इन डायरेक्ट स्लो और ऑर्गेनाइज साइंस पर उसका यकीन है। जल्दबाजी नहीं, कंपटीशन नहीं, मुकाबला नहीं, तेजी नहीं, स्लो ऑर्गेनाइज तरीके से। अकॉर्डिंग टू हिम उसके मुताबिक साइंस कैन हेल्प अस अ लॉट, साइंस हमारी बहुत मदद कर सकती है इन मेकिंग द वर्ल्ड पीसफुल एंड प्रॉस्पेरस, दुनिया को पीसफुल और प्रॉस्पेरस बनाने के लिए, प्रॉस्पेरस बनाने के लिए। He says that there is another thing that stands in the way of human progress. वो कहता है यहाँ एक और चीज है जो इंसानी प्रोग्रेस के राह में रुकावट है। It is a death wish. ये है मौत की ख्वाहिश जन्नत के लिए। If we wish to make the world better, अगर हम चाहते हैं कि दुनिया बेहतर हो जाए, we must change this wish for hope and courage. तो हमें इस मौत की ख्वाहिश को बदल देना पड़ेगा जिससे उम्मीद से and courage और हौसले से। We may avoid present myth, हमें खूबसूरत myth पर अपना बिलीव हटाना पड़ेगा।
वो जो क्रिश्चियंस की खूबसूरत लिखते हैं कि अगर आप गैर क्रिश्चियन को मार देंगे तो वहाँ जन्नत में जाएंगे, जन्नत बहुत लकीफ खूबसूरत है और वहाँ पर हूरें होंगी, वहाँ पर फिला होगा। अगर ये सारी मिथ्स आपको इस मिथ्स पर यकीन हटाना पड़ेगा। वो कहता है वी मे अवॉइड प्रेजेंट मिथ्स अबाउट एन आइडियल फ्यूचर। हमें आइडियल फ्यूचर के बारे में भी जो मिथ्स है हमारी कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, जैसा कि क्रिश्चियन से समझते हैं उन्होंने सलीबी जंगें लड़ी हैं। क्यों लड़ी हैं? इसलिए कि वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में क्राइस्ट ही होगा, उसी की इबादत होगी। और जर्मन उठ के आए, उन्होंने कहा वी आर द चूजन पीपल, हिटलर के साथ पूरी दुनिया पर हमने हमला किया। क्यों? उन्होंने कहा फ्यूचर में हम ही हम होंगे, हमारा नाम ही होगा। तो ये प्लेजन मिथ्स हैं अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में इतने बड़े बड़े प्लेजन ख्याल नहीं सोचो। और ये भी तो प्रेजेंट मिथ्स हैं कि मरने के बाद हम फिलहाल जन्म में जाएंगे और उधर ये होगा और हम ही जाएंगे, ये भी तो मिथ्स हैं। क्रिश्चियन सारे सोचते हैं ये। बट वी शुड गिव बर्थ टू राइट अमाउंट ऑफ होप। हमें सही किस्म की उम्मीद पैदा करनी चाहिए। इन द वर्ल्ड एट लार्ज, दुनिया में बड़ी सतह पर सही खुशियां और होप पैदा करनी चाहिए दुनिया के लिए। Russell is of the view that we should take interest in the world. Russell का ख्याल ये है कि हमें दुनिया के अंदर इंटरेस्ट लेना चाहिए। And hope for a long, happy, healthy life. और तवील, happy, healthy life पर यकीन रखना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4। There are certain things which our age needs and certain things that it गुड अवॉइड। यहाँ पर चंद चीजें ऐसी हैं जिनसे हमें अवॉइड करना है, जिनसे हमें दूर रहना है, और चंद चीजें ऐसी हैं जिनको हमने अडॉप्ट करना है, अख्तियार करना है। कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीजों को अख्तियार करना पड़ेगा। डिस्कस इन द लाइट ऑफ रसल जैसे साइंस एंड वैल्यूज, डिस्क्राइब द गुड थिंग्स साइंस कैन इंक्रीज। बताइए वो कौन सी चीजें हैं जो साइंस बढ़ा सकती है, कौन सी अच्छी चीजें हैं जो साइंस बढ़ा सकती है, and bad things it can diminish, और कौन सी बुरी चीजें हैं जिनको साइंस खत्म कर सकती है। आंसर, Russell slew the beautiful theories of moralist, priest, fundamentalist, और ये सारा पैराग्राफ सेम है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 वाला है। सवाल का जवाब क्या है? सवाल क्या था? कौन सी चीजें छोड़नी है और कौन सी चीजें अडॉप्ट करनी है। अकॉर्डिंग टू हिम, रसल के मुताबिक, आवर एज नीड लव, हमारे दौर को जरूरत है मोहब्बत की। मोहब्बत तो पाकिस्तानी बहुत करते हैं वैसे। सिंपैथी, हमें हमदर्दी की जरूरत है। पोलाइटनेस, और हमें शाइस्तगी की जरूरत है। काइंडनेस, हमें रहमदिली की जरूरत है। फ्री थिंकिंग, और खुला सोचने की जरूरत है। इंटेलेक्चुअल एनर्जी, वो सुना है ना आपने, लौर लौरे लौर लौरे, वो कहते हैं इतने मोची दरवाजा उसे खुला खाता। फ्री थिंकिंग, खुला इंटेलेक्चुअल एनर्जी हमें जरूरत है। जहनी ईमानदारी की, मैं दोबारा कहता हूँ, इंटेलेक्चुअल एनर्जी, जहनी ईमानदारी। मोस्टली हिंदू जो है जैनी ईमानदारी का मुजहरा नहीं करते, क्रिश्चियन नहीं करते, दुनिया के बहुत से लोग जैनी ईमानदारी का मुजहरा नहीं करते। अगर जैनी ईमानदारी का मुजहरा करें तो ह्यूमनिज्म पैदा होगी, इंसानियत पैदा होगी। होप की जरूरत है, करेज टू गो अहेड, जुरत की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए, डिजायर फॉर नॉलेज, और इल्म हासिल करने की ख्वाहिश की जरूरत है, एंड म्यूचुअल ट्रस्ट, बाहिमी एतमाद की जरूरत है। The things that our age must avoid, वो चीजें जो हमारे दौर को छोड़ देनी चाहिए, और death wish, हमें मौत की ख्वाहिश छोड़ देनी चाहिए, tyranny, जुल्म छोड़ देना चाहिए, fanaticism, हमें जुनून तास्तुब छोड़ देना चाहिए, rapid increase in population, और population में तेजी के साथ जो इजाफा है इसे खत्म करना होगा, envy, हसद छोड़नी होगी, greed, लालच छोड़नी होगी, competition, मुकाबला छोड़ना होगा, इरेशनल सब्जेक्टिविटी, गैर अकली जिद छोड़ना होगा। जब भी कोई शख्स किसी को भी
उसकी रिलीजन के खिलाफ कहता है तो तंग जाता है, खड़ा हो जाता है, जिद कर लेता है, उसकी बात नहीं समझता, ना सुनता है, चाहे वो कुछ भी कह रहा हो। एंड म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, और हमें छोड़ना है जैनी डिस्ट्रस्ट, यानी जो गैर एतमादी कैफियत है बिटवीन पीपल ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लोगों के दरमियान में जो गैर एतमादी कंडीशन है उसे छोड़ना है। व्हाट आर द यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ साइंस डिस्कस इन द लाइट ऑफ बर्ट्रंड रसल, साइंस के फायदे और नुकसान क्या है। रसल थ्रू द ब्यूटीफुल थ्योरी, सेम पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ डिफरेंट है। According to him, firstly the unwise use of science can give birth. पहली बात यह है साइंस का गैर अकली इस्तेमाल ये जन्म दे सकता है, टू ये जन्म दे सकता है एज वेल एज इंक्रीज, ये जन्म भी दे सकता है और बढ़ा भी सकता है। किस चीज को? साइंस का गैर अकली इस्तेमाल जन्म भी दे सकता है और बढ़ा है। किस चीज को? टायरिंग जुल्म को, मिजरी दुखों को, पेन एंड हंगर। सेकेंडली इट कैन गिव बर्थ टू वॉर, ये जंग को जन्म देगा। क्या जन्म देगा? साइंस का गैर अकली इस्तेमाल जन्म देगा। किस चीज को? जंग को। एंड फॉर लॉन्ग इट, और जंगों को तवील करेगा ये। क्या तवील करेगा? साइंस का गैर अकली इस्तेमाल, होश में रहे उसमें, विद ड्रेडफुल रिजल्ट फॉर मैन इन जनरल, और इंसान के लिए खौफनाक किस्म के नतीजे निकलेंगे। साइंस आल्सो गेव अस मेनी काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स, साइंस ने हमें कई तरह के फायदे दिए हैं। साइंस हैज इंक्रीज गुड ट्रेडिशंस, साइंस ने अच्छाइयों में इजाफा किया है, अच्छी रिवायात पैदा की है। इट कैन फिनिश एंड कंट्रोल डिजीजेस, साइंस जो है ये खत्म कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है किसको? बीमारियों को, इवल्स बुराइयों को, पॉवर्टी गुर्बत को, मैन आवर ऑफ लेबर, और इंसान के काम करने के घंटों को कम कर सकती है। रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन को कम कर सकती है। ह्यूमन मिजरी, इंसानी दुखों को कम कर सकती है साइंस। लॉलेसनेस एंड सोशल क्राइम को कम कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, What are the three attitudes towards suffering of man and which of these is really beneficial? कौन से तीन रवैये हैं? कौन से रवैये हैं तीन इंसानी सफरिंग के मुतालिक, इंसानी दुखों के मुतालिक कौन से तीन रवैये हैं, और उन तीन रवैयों में से कौन सा रवैया बेहतर है? कौन कौन से तीन रवैये हैं? एक रवैया है जुल्म करने वाला, दूसरा रवैया है उस पर पिटी करने वाला, तीसरा रवैया है उसका क्योर करने वाला, इलाज करने वाला। रसल थ्रू द ब्यूटीफुल थ्योरीज ऑफ मॉरल्स, सेम पैराग्राफ, अकॉर्डिंग टू रसल देयर आर थ्री एटीट्यूड्स टुवर्ड्स सफरिंग ऑफ मैन, रसल के मुताबिक तीन रवैये हैं इंसानी दुखों के बारे में। वन इज द एटीट्यूड ऑफ सैडिस्ट, पहला रवैया है कातिल का, एंड ही मे फाइंड प्लेजर इन सफरिंग ऑफ अदर्स, और ये कातिल दूसरों को दुख देकर, सफरिंग देकर, मसायब देकर खुश होता है। सेकेंड इज सेंटिमेंटलिस्ट, दूसरा रवैया रोशन रवैया है, यानी के जज्बाती रवैया है, एंड ही मे फील सॉरी एट सच सफरिंग, और वो ऐसी सफरिंग पर क्या करेगा? सॉरी फील करेगा, दुख का इजहार करेगा, जी बड़ा बुरा हुआ है। द थर्ड वन इज अ कंपैशनेट, और तीसरा रवैया जो है कंपैशनेट का है, वो सही राइट काइंड ऑफ हमदर्द है, एंड ही मे ट्रूली ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन, और वो वाकई कोशिश करता है, ट्रूली ट्राई मसले को समझने की पूरी कोशिश करता है, एंड रिमूव दी सफरिंग, और इन सफरिंग को रिमूव करता है, दुखों को रिमूव करने की कोशिश करता है। He is intellectually honest, ये वाकई अकली तौर पर ईमानदार है। His attitude is positive, उसका रवैया पॉजिटिव है,
he tries to understand the reasons of misery. वो मिजरी की, दुखों की वजह तलाश करता है एंड फिनिश इट, और फिर इन दुखों को खत्म करता है. रसल प्रीच दैट वी मस्ट हैव दिस सॉल्ड एटीट्यूड. रसल ये कहता है कि उनका तीसरा रवैया होना चाहिए. रसल कहते हैं लोगों का रवैया कौन सा होना चाहिए, थर्ड कौन सा था, कंपैशनेट, हमदर्द वाला, ऑफ एन अच्छा. Russell thinks that we must have this third attitude of an intellectual honesty. हमारे पास intellectual honesty वाला रवैया होना चाहिए to develop better condition in the world at large. दुनिया के अंदर बेहतर सूरत हाल पैदा करने के लिए, दुनिया में बेहतर सूरत हाल पैदा करने के लिए हमारे पास compassionate वाला रवैया होना चाहिए, cure करने वाला रवैया होना चाहिए. रोने धोने का कोई फायदा नहीं. मैंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी है बहुत पहले, आज से तकरीबन 3 साल पहले लिखी थी शॉर्ट स्टोरी, और वो नेशनल न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश भी हुई थी, और उसका नाम टेलीमर था, टेलीमर, ठीक है. उसमें कल जो मैं बता रहा था टेलीमर, उसी के ऊपर थी. तो वो आदमी कर रहा होता है, एक आदमी का ठहर कर, और उसके सर को देखो, सर बड़ी ही उलझन होती है कि इसका सर बड़ा गंदा है, क्लास में ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा होता है. फिर वो उस शख्स के साथ जाता है तो घर में देखता है, उसी घर में लेबोरेटरी होती है, और वो टेलीमर पर तजर्बात कर रहा होता है और कहता है कि इससे इंसान की उम्र बढ़ जाएगी. तो उसको शदीद उससे नफरत होती है, और रात को उससे सारी लेबोरेटरी का सामान तोड़ देता है वो, और फिर घर चला आता है, और डर रहा होता है कहीं ऐसा ना हो कि उसको वो पकड़ा जाए. तो लेकिन वो दिल में बड़ा मुतमईन भी होता है कि उसने एक शैतान की लेबोरेटरी सारी गलत कर दी है, खराब कर दिया, और उस आदमी को उसने नुकसान पहुंचाया, और वो शख्स सारी नफरत अंगेज बड़ी बुरी शक्ल वाला था. जब घर अंदर आता है तो उसकी बीवी उसके गले पड़ जाती है और कहती है तुम कहाँ थे, मैं तुम रात सारी कहाँ रहे हो, तुम्हारे वालिद की डेथ हो गई. वो अपने वालिद की डेथ पर उसने वालिद को देख रहा होता है और उससे प्यार का इजहार करता है और माजी की यादें याद करता है और कहता है कि अभी तो इसे नहीं मरना चाहिए था. और वो जब उसको दफना रहा होता है तो उसी वक्त सोचता है टेलीमर, और स्टोरी फिनिश हो जाती है. ओके चलो. Where from I have to study again? Question number 10. How far are Russell's views about World State Convention? Russell के views one world government के बारे में कितने कायल करने वाले हैं, कितने convention हैं, कितने अच्छे हैं? What are the obstacles in the way of making the world good? क्या obstacles हैं, रुकावटें हैं दुनिया को बेहतर करने में या वर्ल्ड स्टेट बनाने में? डिस्कस व्हाट इज द स्क्रूटनी ऑफ रसल अबाउट वॉर. जंग के बारे में रसल का तज्जिया क्या है? डू यू एग्री विद रसल्स व्यू दैट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिंगल अथॉरिटी. क्या आप रसल के व्यू से मुत्तफिक हैं कि अगर सिंगल अथॉरिटी एस्टेब्लिश हो जाए, सिंगल गवर्नमेंट बन जाए इन द वर्ल्ड, विल अबॉलिश वॉर, तो इससे जंगे खत्म हो जाएंगे? रसल थ्रू द ब्यूटीफुल थ्योरीज ऑफ मॉरलिस्ट. सेम पैराग्राफ. आफ्टर दिस टुडे द डेंजर ऑफ वॉर इज हायर. आज जंगों के खतरात ज्यादा हैं या जंग ज्यादा खतरनाक है देन मैनी अर्लियर सोसाइटी, किसी पिछली सोसाइटी की नस्बत. According to Russell, this danger can be handled through one world government. ये जंग का खतरा टाला जा सकता है one world government के जरिए. And one world government can be established, और one world government established की जा सकती है. If the distrust between the east and west is removed, अगर मशरक और मगरब के दरमियान में जो distrust है उसको खत्म किया जा सकता. So science can help a lot in the establishment of a world state.
तो साइंस जो है वो बहुत ज्यादा मदद कर सकती है पूरी दुनिया में एक स्टेट बनाने में। ब्लेसिंग ऑफ साइंस कैन बी एंजॉयड टू देयर फुल एक्सटेंट, और साइंस की रहमतों को एंजॉय किया जा सकता है पूरी तरह से बाय एस्टैब्लिशिंग अ लविंग यूनिवर्सल ह्यूमन सोसाइटी। अगर हम एक मोहब्बत करने वाली यूनिवर्सल सोसाइटी को तस्कीर दे पाते हैं। नाउ लव ऑफ पावर एंड कंपटीशन विल कम टू एन एंड, अब ताकत और कंपटीशन से मोहब्बत खत्म होने को है। फियर एंड डिस्ट्रस विल डिसअपीयर, खौफ और डिस्ट्रस ये दोनों खत्म हो जाएंगे। जनरल प्रॉस्पेरिटी विल रिजल्ट इन द वॉर, और जंग के खत्म होने से आम प्रॉस्पेरिटी खुशहाली जन्म लेगी। Nowadays, democracy is finding roots in more and more countries. आज डेमोक्रेसी नए से नए कंट्रीज के अंदर अपने कदम जमा रही है। The world is heading towards universal relationship. और दुनिया ने यूनिवर्सल रिलेशनशिप बनाना शुरू कर दिया है। नेट देख लें, यूनिवर्सल रिलेशनशिप बन गया है। हम जब छोटे थे तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि अंग्रेजों से कभी बात भी करेंगे। अब आप तमाम लोग आराम से कर सकते हैं, चाहे वो किसी कंट्री का भी शख्स है। वी शुड होप फॉर द बेटर, हमें बेटर की होप करनी चाहिए। वी शुड ब्रॉडकास्ट एज वेल एज, हमें ब्रॉडकास्ट करनी चाहिए, हमें इस बात को फैलाना चाहिए, इस आइडिया को वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने के आइडिया को फैलाना चाहिए। एज वेल एज एक्ट फॉर द अचीवमेंट, और इसके साथ ही हमें अमल करना चाहिए ताकि हम अचीव कर सकें और दैट गोल, इस गोल को अचीव कर सकें, विच इज आवर चेरिश्ड एम, और ये सबसे अच्छा प्यारा खुशगवार एम है। क्या एम खुशगवार है? वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनानी चाहिए। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर कोई सारे क्वेश्चन ना कर सके तैयार, तो क्वेश्चन नंबर वन, एंड फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, वन फोर, सिक्स एंड सेवन। क्वेश्चन इसमें कोई भी आ सकता है। आप अप टू डेट अगर उठाकर देखेंगे तो अप टू डेट के अंदर आपको पता चलेगा कि सारे क्वेश्चन आए हुए हैं हर दफा। रसल एक बड़ा टॉपिक है और मैं कहता हूँ रसल इज इनफ। आपको पता है रसल की डेथ पर क्या हुआ था? रसल ने मरने से पहले वसीयत की थी, विल लिखी थी कि मेरे मरने के बाद मुझे किसी भी रिलीजियस राइट के तहत दफनाया ना जाए। तो रसल साहब क्या करना है? रसल साहब ने जो विल लिखी उसके मुताबिक रसल को जलाकर और उसकी राख को पहाड़ पर फेंक दिया गया था। कोई रिलीजियस मजहबी तकरीर नहीं हुई थी उसकी। उसे ये कहा था कि ताकि लोगों को पता चल जाए कि मैंने 97 ईयर इस प्लांट पर गुजारे हैं और सेहतमंद गुजारे हैं, और जनाब ने ना सिर्फ सेहतमंद बल्कि वो सूटा भी लगाते थे, सिगरेट भी था, हुक्का टाइप वो जो पीता था। उसे कोई रिलीजियस अपनी मजहबी तकरीर नहीं करे अपने डेथ के ऊपर, ठीक है, ताकि लोगों को अकलियत क्या हो तलकीन कर सके और दिखा सके ऐसा कुछ नहीं होता, डरने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला उसकी रूह को मुसलमान करे, अगर वो कहीं भटक रही है तो अल्लाह ताला उसको कोई, चलो और कुछ नहीं तो किसी कोने में जन्नत के किसी जगह पर, थोड़ा सा जन्नत में अगर टॉयलेट भी तो होंगे वहाँ उसको जगह दे दो उसकी छत पर, कोई बात नहीं। ओके नाइस, ठीक है।